नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 24 का चुनाव, और 24 के चुनाव को लेकर यहां पर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। निकाय चुनाव पर अभी फैसला आना बाकी है, क्योंकि निकाय चुनाव को अभी हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा रखी है। सुनवाई होगी, उसके बाद ही शायद चुनाव आयोग इस पर अधिसूचना जारी करेगा। पर इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर मैनपुरी खतौली जीतने के बाद लगातार सक्रिय हो चुके हैं, और सक्रियता इस तरह नज़र आ रही है कि ये आज तेलंगाना के जो पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है, और उसका आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ दिल्ली में, जहाँ पर KCR के चंद्रशेखर राव भी मौजूद थे, और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उस उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। यानी कि अब यहाँ पर राजनीति क्षेत्रीय से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है। हालांकि इसके प्रयास पहले भी किए गए, और राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक के रूप में और वहाँ पर भी मौजूद रहे, और तमाम तरह की सरगर्मियाँ रहीं कि अखिलेश यादव अब बड़े कद के नेता हो चुके हैं, अब उनका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब उसी हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। अगर हम शुरुआत करें तो अखिलेश यादव इसके पहले ममता बनर्जी से ही मिले, और सबसे महत्वपूर्ण बात कल नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, 2025 का बिहार चुनाव। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूँ, बल्कि 24 में बीजेपी को किस तरह सत्ता से हटाया जाए, इसके लिए तैयारी चल रही है। और यहाँ पर जो एक गठबंधन है जो बीजेपी को हटाने का प्रयास कर रहा है, उसको एकजुट करने की बात कही जा रही है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी अपने बयानों से लेकर चर्चा बने रहते हैं। बयान उन्होंने दिया है कि अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव कभी अलग थे ही नहीं, केवल दिखाने के लिए अलग थे और एक थे, और हम अपनी सारी मजबूती के साथ आगामी निकाय चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे अभी इस पर कोई फैसला भी अभी वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि किसके साथ जाएंगे ये भी एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी के साथ गए थे तो उसके बाद उनका जो गठबंधन था वो टूट गया था, अलग हो गए थे, उसका सपा के साथ 22 के चुनाव में एक साथ जुड़े, और फिर चुनाव परिणाम आने के बाद सलाह देते रहे, स्थिति ये बनी कि अखिलेश से उनका अलगाव हो गया, और अलगाव यानी सुभाषपा और सपा का। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर चर्चा करें 24 चुनाव की, तो तैयारियां सारे दल कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अगर निकाय चुनाव के बाद जो महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है वो छत्तीसगढ़ और बिहार के बाद 24 चुनाव भी है, और इस 24 चुनाव के माध्यम से सभी अपनी अपनी तैयारी परख रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह बीजेपी के खिलाफ लाभमंदी की जाए। अगर जब लाभमंदी होगी तभी कुछ परिणाम बेहतर आएगा, नहीं तो जो परंपरा 14 शुरू हुई है वो चलती रहेगी। फिर कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मिलजुल करके काम कीजिए, अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है, और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहना रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। इन सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे, मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। बिहार में माननीय नीतीश जी इतने कमजोर हो चुके हैं तेजस्वी जी के साथ आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव में 2 चुनाव जीत चुकी है, और जनाधार वो खोते जा रहे हैं। आने वाले भविष्य को वो जानते हैं कि हम अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी तेज गति से निर्बाध रूप से बढ़ती हुई आगे चली जा रही है, और माननीय नीतीश जी अब देख रहे हैं कि तेजस्वी को आगे कर दिया जाए, क्योंकि वो कोई भी अपने ऊपर लेने नहीं जाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दोष आए, हमारा दोष न हो। नीतीश जी इस समय असहाय हो गए हैं, और हमको लगता है आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी का विलय अपने तेजस्वी जी की पार्टी में कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि 24 चुनाव भी आने वाला है, निकाय चुनाव तो फिर जब अधिसूचना जारी होगी उसके बाद होगा, पर यहाँ पर जिस तरह से लामबंदी शुरू हो गई है, इसलिए मुद्दा इस समय
गर्मा गया है। और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सक्रिय है, मैनपुरी और खतौली जीत के बाद उत्साह है उनका देखने की नजर आ रहा है। खैर मैनपुर चर्चा है, समाज से मेहमान चर्चा को रूबरू करा लूँ। प्रवक्ता भाजपा से शमसी आजाद भाई अपना पक्ष रखेंगे, सपा से विवेक पांडे अपना पक्ष रखेंगे, पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार अपना पक्ष रखेंगे, विनोद सिंह भाई प्रवक्ता कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, जयराम भाई प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा शमसी आजाद से। शमसी भाई, अखिलेश यादव लगातार सक्रिय हो रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली गए थे आज, और जिस तरह से मैनपुरी खतौली जीते हैं निश्चित रूप से उत्साह तो बड़ा है, और उत्साह के साथ साथ यहाँ पर KCR के जो कार्यक्रम था भारत राष्ट्र समिति, इस कार्यक्रम के उद्घाटन उस पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में सम्मिलित भी हुए, और जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं तो देखने वाली बात है शायद बीजेपी के लिए 24 चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना बीजेपी सोच रही है। खैर बीजेपी हमेशा मेहनत करती है, रणनीति बेहतर रहती है, पर जिस तरह से विपक्ष लामबंदी हो रही है, बहुत समय नहीं रह गया चुनाव में, किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका और आपके चैनल का कि हम लोगों को अपनी पार्टी की तरफ से बातें रखने और नीतियों को बताने के लिए यहाँ पर बुलाने के लिए। जी देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहा जाता है, हम ही नहीं बल्कि विपक्ष भी कहता है और मीडिया भी यही कहती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं चुनाव रहता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, भारत की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता में केंद्र में होने के नाते कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का रहना भी होता है कि हर हाल में उसको चुनाव लड़ना ही होता है। अच्छा। वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या और पार्टियों की तरह है नहीं कि क्षेत्रीय पार्टियों की तरह काम करती हो या चुनाव हो रहा हो तो वाकवर देती हो। भारतीय जनता पार्टी इस वजह से भी रहती है क्योंकि उसको जनता के हितों को लेकर लगातार काम करती रहती है। हमेशा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनी है उस दिन से हमको ये देखने को मिला है कि ऐसी पार्टी जो सत्ता में रहते हुए भी कोई एक सप्ताह ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं गया होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दरवाजे जाने का कार्यक्रम न रखा हो। किसी न किसी माध्यम से जनता के बीच में रहने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और यही वजह होती है कि उसको जो है चुनाव में उसका फायदा मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से चुनकर उत्तर प्रदेश में दोबारा से केंद्र में स्थापित करके ये साफ संकेत दे दिया जनता ने कि अब किसी भी पार्टी का जो है जनाधार बचा नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे सेंट्रल में हो। अच्छा। अब रह जाती है बात समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो अन्य दल हैं, बहुजन समाज पार्टी या और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या केंद्रीय पार्टियां हैं, वो लगातार एक दूसरे के संबंध में इसी वजह से संपर्क में हैं कि मिलकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है, अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है और अपने को बचाने की लड़ाई, अपने वजूद को कायम करने की लड़ाई इस वक्त जो है तो सारी पार्टियों को जो है दिखाई पड़ रही है कि अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मार लेती है तो हम लोगों का वजूद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना, इसके पहले का चुनाव भी आपने देखा होगा चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे सेंट्रल का हो कि बहुत सी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन सबसे ऊपर होती है जनता और जनता ने अपना मत देकर ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चुनौती नहीं आपके लिए? चुनौती नहीं हमारे लिए, कोई चुनौती नहीं, हम लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं, हमको किसी पार्टी से कोई चुनौती नहीं, हमको जनता की जो समस्या होती है उसको हम चुनौती मानकर चलते हैं और जनता की समस्या का समाधान कर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि आने वाला चुनाव जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज ही हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है कि 400 से अधिक सीटें लाने का लक्ष्य हमारा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य रखती है, आपने देखा होगा विधानसभा में भी जो लक्ष्य रखा, इसके पहले भी चुनाव में जो लक्ष्य रखा है, तो थोड़ा सा पीछे हुए हैं जरूर, लेकिन उसको छूने का पूरा प्रयास किया है और सरकार बनाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसका मंत्रिमंडल, उसके बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि जनता की समस्याओं को दूर किया जाए और चुनाव में अधिक से अधिक सीटें लाने का काम किया जाए। अब और पार्टियां जिनको अपना वजूद बचाना है, कोई दिल्ली के कार्यालय के उद्घाटन में जाए, चाहे कोई हरियाणा के फुटबॉल मैच का उद्घाटन करने जाए, तो उससे हमारा लेना देना कोई नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जानते हैं और हम अपनी जनता को जानते हैं, जनता के बीच में हम बने रहते हैं। पुराने सहयोगी नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? नीतीश कुमार जी का तो सर आपको पता है कि नीतीश कुमार समय समय पर अपना चुनाव वादा बदलते रहते हैं, उनके शब्द बदलते रहते हैं। अभी चुनाव बहुत दूर है, 24 तक में आप देखेंगे बहुत से लोग नए नए बातें करते रहेंगे। 25 चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव को लीड करने को बोला है, वो लीड करेंगे, क्या दिक्कत है, क्यों वो पीछे हट रहे हैं? अब तेजस्वी यादव लीड करेंगे, वो खुद पीछे हट रहे हैं, तो बाकी और संगठन और पार्टियां जो उनके साथ मिलकर आना चाहती थी, अभी उनका बयान देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, तेलुगु देशम पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, और आपके कांग्रेस पार्टी उनके साथ जाती है कि नहीं, बसपा जाते कि नहीं, बहुत सी विपक्ष की पार्टियां जो हैं अभी आप देखिए सबका बयान आता है। अच्छा। सब उनके साथ जाना चाहते हैं या अलग अलग लड़ना चाहते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस का बयान तो ये भी आ रहा है, उन्होंने ये भी कहा है साफ तौर पर, जिस तरह से यहाँ पर अगर
पार्टी का नाम बदल रहे हैं उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला है, चाहे बीआरएस करें चाहे, पर जो डीएनए है पार्टी का वो तो वही रहेगा। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बातें रहना चाहिए, और नाम बदले ना बदले उससे जनता का या हमारा कोई लेना देना नहीं, ये उनकी अपनी राय है। अब शिवपाल यादव जी ने ही देखिए अपनी पार्टी का विलय ही समाजवादी पार्टी में कर दिया, तो उससे हमारा कोई नुकसान या फायदा हम देखिए मिल जाना चाहिए भाई। नहीं नहीं मिल जाए, उससे हमारा कोई उससे रिएक्शन नहीं, उनकी अपनी रणनीति है किस तरीके से वो अपना नाम बदल कर, उनको इतने साल तक यही नहीं पता था कि पार्टी का नाम रखा है अच्छा है कि नहीं अच्छा है, किसी ज्योतिष ने उनको बता दिया होगा कि आप ये नाम बदल कर ये नाम रखें तो शायद आप सत्ता में वापसी कर सकें, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने नाम बदला। अच्छा ठीक है ठीक है। विवेक भाई कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आप लोग अपने बजट के लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए कोई चुनौती नहीं है, आराम से जीतने वाले, हैट्रिक बनाने वाले हैं, शमशीर भाई के हिसाब से कहना है। और जिसे उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश कह चुके हैं 400 सीट जीतेंगे। देखिए पहले तो पूरे मंच को सरहृदय धन्यवाद देते हुए जी, बहुत सारी बातें मैंने सुनी और मंच पर उपस्थित पैनलिस्ट को, वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदरणीय महोदय बैठे हुए हैं और विपक्ष के भी कई संभ्रांत प्रवक्ता बैठे हैं, सभी को मैं अनुमोदन के साथ पहले तो प्रणाम करता हूं और इस मंच पे मैं उपस्थित सभी पैनलिस्ट को का ससम्मान अब मैं अपनी बातों को रखने के लिए अनुमोदन करता हूं। जी देखिए ये बात तो सत्य है कि ज्योतिषों का इतिहास इस देश में बहुत पुराना है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरीके से कहा गया, व्याख्यान किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी का भी मुझे कुछ नाम पहले का याद आता है, कोई जनता पार्टी या कोई दूसरा नाम हुआ करता था, अगर मैं गलत नहीं हूं, पत्रकार महोदय बैठे हैं वो करेक्ट करेंगे जी। और पहली बार इस देश में जब बात गठबंधन की आती है तो 77 में गठबंधन की सरकार थी जिसमें कि इन्होंने हमारा भी सहयोग लिया था। अच्छा उसके बाद चलते हैं 89 में, फिर कांग्रेस की सरकार को रोकने के लिए जिस तरीके से भाजपा और सीपीएम एक हो गए थे। अच्छा और 14 में विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण आपको याद ही होगा इस देश के सबसे बड़े अलगाववादी राष्ट्रीय राजकीय दल बोल सकते हैं, राष्ट्रीय तो नहीं है, अच्छा। अलगाववादी दल के साथ पीडीपी के साथ जाके आपने सरकार बना ली। अच्छा तो भाई इतिहास तो सभी का है, ज्योतिष का असर तो कहीं ना कहीं सभी के ऊपर होता है। अच्छा और ज्योतिष को सबसे ज्यादा तो भाजपा के लोग मानते हैं भाई, इतिहास तो इन्होंने ही ज्योतिष क्यों मानते भाई, ज्योतिष को भाई आपको तो याद ही होगा कि पहले की भाजपा आजादी के पहले भाजपा किसी और दल के नाम से जानी जाती थी जो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। और जिस तरीके से इन्होंने हर राजनीतिक दल का सहयोग लेकर के अलगाववादी दल का भी, इस देश को तोड़ने वाले दलों का भी सहयोग लेकर के सरकार की स्थापना की, ये भी अपने आप एक ऐतिहासिक है। अच्छा। ज्योतिष नहीं बताया होगा। अच्छा। कि अगर आपको कश्मीर में सरकार बनानी है तो आतंकवादियों को संरक्षित करने वाली किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल से आप सहयोग ले लीजिए, आप सरकार बन जाएगी, और बनी बिल्कुल, ये भी इतिहास में दर्ज। अच्छा अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पे की जो प्रकरण चला भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज अगर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर किसी राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसके कार्यालय के उद्घाटन भी जाते हैं, तो ये तो एक राजनीतिक शिष्टाचार का परिचायक है। अच्छा भाई ये भी तो देखिए कि कल तो वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे भाई, जिन केसीआर जी की बात हो रही है, तेलंगाना के अगर इतने बड़े वो जननायक है, तो कल तो उन्होंने वो सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया। अब प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया कि नहीं ये मुझे नहीं पता। अच्छा। हो सकता है कि भाई राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री जी को न्योता शायद मिला हो, लेकिन वो ना आए हो। अच्छा। तो भाई मुझे लगता है कि ये कोई तर्क वितर्क का स्पष्ट विषय नहीं होना चाहिए। देखिए राजनीतिक शिष्टाचार होता है, अभी आदरणीय नेताजी के जब स्वर्गवास पे हर राजनीतिक दल के लोग आए, सभी ने अपनी संवेदना व्यक्त की, भाई राजनीतिक धर्म भी अपनी जगह पे उसका भी पालन करना जरूरी है ना, या हम राजनीतिक में ऐसा तो नहीं कर सकते कि राजनीतिक शिष्टाचार। आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने जा रहे हैं? मैं तो ये मान रहा हूँ कि मैं तो बहुत बधाई देता हूँ कि एक क्षेत्रीय दल आज उठ करके राष्ट्रीय स्तर पे अगर अपना एक्सपांशन करना चाह रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी समाज अपनी सोच को क्रियान्वित करना चाह रहा है, लोगों तक ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है भाजपा को तो इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा। भाई भाजपा का सबसे बड़ा आरोप तो यही था ना कि विपक्ष जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, विपक्ष जो है एक सकारात्मक राजनीति का परिचायक नहीं बन रहा। अच्छा। हम सबसे बड़े राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस को समाप्त करने की कसम खाते खाते देखिए हिमाचल ही खो बैठे। अच्छा। तो मुझे लगता है देखिए थोड़ा सा अभी जो असहज करती है भाजपा को बातें, ये वही मुद्दे हैं शायद जिन मुद्दों पे भाजपा ने 15 साल तक जब सत्ता से बाहर थे, जो जनता ने बिठा रखा था इनकी नीतियों के कारण इनको, और पुनः इनकी नीतियों के कारण बिठाएगी। मैं आपको अभी बड़े स्पष्ट वो कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में पूर्ववर्ती चुनाव में डाला था, आज देखिए हिमाचल ने उस मुद्दे पर उड़ा दिया इनकी सरकार को, और इनके पूर्व मुख्यमंत्री तो स्वीकार कर रहे हैं कि अगर वो एजेंडा इन्होंने उठा लिया होता तो शायद सरकार बन जाती। तो मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा की तरह जो भी क्षेत्रीय राजनीतिक अलग अलग प्रांतों की राजनीतिक दल है, अगर वो किसी भी तरीके से विलय करते हैं या किसी भी तरीके से एक्सपांशन करते हैं, तो मुझे लगता है इसका सहयोग, इसका सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो ये कंफ्यूज हूं, मैं तो ये सोच के हतप्रभ हूं
कि भाजपा के जो जो रणनीतिकार हैं, जो भाजपा के कुशल संगठन में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी किसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, अखिलेश जी क्या खा रहे हैं, अखिलेश जी किस तरीके से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, अखिलेश जी या तो पारिवारिक संबंधों में किस तरीके से रहते हैं, या चाचा जी का हमारे साथ किस तरीके से अचानक आना हो गया। अच्छा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर विकास कार्यों पे ध्यान दे हमारे समाजवादी परिवार को छोड़ करके, तो उत्तर प्रदेश की और दशा कुछ और होती। इंटरेस्ट तो लेंगे ना, जब अलगाव मतभेद सबके सामने रहेंगे। सहमत हूँ, सहमत हूँ आपकी बात से, पूरी तरह सहमत हूँ। सार्वजनिक बयान दे रहे थे, नहीं नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए अब हम क्या करें, हम घर परिवार के लोग हैं, हमें तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, हर विषय को लेकर के अपने परिवार के लोगों को भी समझाना होता है, समाज के लोगों को भी समझाना होता है, विकास की नीति भी तय करनी पड़ती है, रणनीति भी बनानी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे परिवार की आंतरिक बातों से लेकर के अखिलेश जी सोते कितने बजे हैं वहां तक का तो हिसाब भाजपा रखती है। तो मुझे लगता है कभी फोटो खिंचवा लेना पक्षियों के साथ, कभी फोटो खिंचवा लेना अभिनेताओं के साथ, इससे अगर विकास होता तो आज विकास की गति में भारत सबसे। तो आपको कहना क्या है, जनरल मुलाकात है, कुछ है नहीं? यानी भाई ये राजनीतिक शिष्टाचार का परिचायक है और मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। भाई केसीआर साहब तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। तो मैं क्या मान मानू, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने जा रहे हैं या क्यों शिष्टाचार मुलाकात? भाई हम तो कब से कह रहे हैं, हमने तो गुजरात में भी एक सीट इनकी उखाड़ के फेंक दी। अच्छा, अगर आप देखिए राजनीतिक, अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो अब आपको समाजवादी विचारधारा का भी जो विस्तारीकरण है, जो राष्ट्रीय स्तर पे लोगों तक पहुंचाने का काम करने का अगर हमको अवसर मिलता है तो मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, मैं सभी संगठन के उच्च पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि आप बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे इस एजेंडे को ले चलिए। हम समाजवादी विचारधारा को हर गांव गांव तक पहुंचाने के लिए हम जैसे कई कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, वो तो केवल एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। चल ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में ब्रज सिंह भाई बैठे। विभिन्न भाई, भाई यहाँ पर हिमाचल जीत कर आया तो निश्चित रूप से आप उत्साह तो बड़ा होगा। अरे गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा आपका, एमसीडी भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, पर हिमाचल जीत से कुछ ना कुछ ऊर्जा तो आई होगी। तो भाई भारत जोड़ो यात्रा भी लगातार चल रही है और उत्तर प्रदेश में सुनने में आ रहा है कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाने जा रहे हैं। भाई कमर कस लिया आपने भी, पर जिस तरह से यहाँ पर एक प्रकार से विपक्ष लामबंदी हो रही है कि आप भी जाएंगे वहाँ पर या फिर एकरा चलो की नीति पर चलेंगे? जी 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 तौर से जी संवैधानिक, राजनीतिक, नैतिक, वैचारिक लड़ाई लड़ने का काम आर पार जी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल जी ने किया है। जी वो जन यात्रा के माध्यम से हो, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो, लगातार नीतिगत उनकी जो कमियां हैं जिससे देश की सुरक्षा, देश का स्वास्थ्य, देश का भविष्य संकट में पड़ने वाला है, समय समय पर उसको इन्होंने हमेशा चेताने का काम किया है। सरकार ने भले निजी तौर पर हल्की अमर्यादित व्यक्तिगत टिप्पणी की, लेकिन उसकी भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, संस्कार है, उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हिमाचल आप जानते हैं बहुत सुंदर भूमि है, देवभूमि है, बहुत बुद्धिजीवियों का एक प्रदेश है, तो वहां से शुरुआत हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश है, घबराई हुई है, क्योंकि हिमाचल से ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं और मास्टर माइंड खुद को कहते हैं, स्वघोषित जो है बुद्धिमान और चाणक्य लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहुप्रतिष्ठित, बहुप्रतीक्षित जो हिमाचल का चुनाव था उसको गंवा के ये साबित कर दिया है कि जनता ने इनके खोखले नारों का, वायदों का, जिम्मेदारी का अब खारिज, सिरे से खारिज करने का मन बना लिया है। अच्छा। 2024 में वो सभी आवाजें, वो सभी ताकतें, वो सभी नेता, वो सभी विचार जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश बचाने की लड़ाई में आना चाहते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, उसका सैद्धांतिक मत है कि पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ जुमले की, सुशासन की नीति है, रणनीति है, नियत है, उसके खिलाफ एकजुट होकर आर पार लड़ाई लड़ने का काम करें। जब समय पे मैं अनुमान लगाता हूँ कि आपका अगला सवाल क्या होगा, देखिए अभी हमको छोटे छोटे व्यक्तिगत हित में कोई ऐसी
बात किंतु परंतु में कह देने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बेस नहीं देना है, कोई मौका नहीं देना है अच्छा। कि वो फूट डाले, कहीं कुछ मैनेज करने का काम करे अच्छा। अभी एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सबको जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया। जिस प्रकार से किसानों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, उपेक्षित लोगों की राहुल गांधी जी आवाज बन के लोकतंत्र में लोकाचार, लोकमत, लोकस्वर की क्या महत्ता होनी चाहिए, इस विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ राहुल जी ने जो बीड़ा उठाया है, आप देख रहे हैं पूरा देश झूम रहा है, पूरा प्रदेश झूम रहा है। हाथ से हाथ भी मिलेंगे, हृदय से हृदय भी मिलेंगे, मत से मत भी मिलेंगे, और लोकमत में जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो बदहवासी है, जो खुमारी है, जो बेईमानी है, जो नासमझी है, सबका पर्दाफाश हो जाएगा, नया सवेरा होगा, और कांग्रेस की अगुवाई में एक कांग्रेस अगुवाई करेगी। आप बोल रहे हैं कांग्रेस अगुवाई करेगी, अरे बिल्कुल बिल्कुल अगुवाई करेगी, क्यों नहीं अगुवाई करेगी। अच्छा, समस्या क्या है आपको? ना हमें कोई समस्या थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों इस प्रकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना देखना चाहते हैं क्या? नहीं, तो हम तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप नेतृत्व करेंगे कि और कोई नेतृत्व करेगा? नहीं, मैंने कहा, मैंने पहले ही कह दिया गौरव, वो समय बताएगा। अच्छा, वो मेरे अंतर की बात नहीं है। सम्मानित सभी विरोधी विचारधाराओं के लोग जो देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त है, चिंतित है, बैठेंगे समय पर रणनीति के माध्यम से, कोई औपचारिक जिम्मेदारी बयान इस समय हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो मूड, जो मोमेंटम जो ये बना है, उसमें जरूर कांग्रेस पार्टी की निर्णायक भूमिका होगी, कांग्रेस नेतृत्व की निर्णायक भूमिका होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, विपक्ष विपक्ष जुड़ता है, बिखरा हुआ जाता है, उपराष्ट्रपति चुनाव देखे, चार चुनाव देखे, एक लामबन तो होते हैं, पर फिर कोई कहीं जा चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, रात्रि भोज होते समय कोई कहीं चला जाता है, तो ये लामबन हो कहाँ पा रहे हैं? प्रयास तो किया जाता है आपके द्वारा। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमको सचेत रहना पड़ेगा। अच्छा, हमको सचेत रहना पड़ेगा, हमको हमको मैसेज देना पड़ेगा, हमको जनता में ये विश्वास देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रही, बनी रही, तो देश का कितना नुकसान हो जाएगा। सवाल किसी पार्टी का, नेता का, सत्ता की भागीदारी का नहीं है। अच्छा, सवाल देश बचाने का है। अच्छा, झूठ जिम्मेबाजों से, भगोड़ों से, ये जो देश को इन्होंने पूरी तरीके से कंगाल करके रख लिया है, अपने दो चार दस चुनिंदा मित्रों के हाथों देश के साधन संसाधन सारी संपत्तियों को अच्छा। रखने के लिए आतुर है। अच्छा, सबको देश से बचाना है। अच्छा, देश के किसान तो सत्ता में आके बचाएंगे, कोई संघर्ष भी करेंगे, सत्ता ही में आके बताएंगे, संघर्ष भी करेंगे जी। इससे बड़ा संघर्ष क्या होगा? शमशी भाई हंस रहे हैं, शमशी जी भाई को चुनौती देता हूँ। अच्छा, इनके पार्टी के कोई बड़े नेता तो छोड़ दीजिए। हाँ, ये 1000 किलोमीटर ट्रेन से भी यात्रा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कोई आवाज किसानों के लिए, किसानों के लिए निकल के जाए। अरे जनता जनता के पास जाइए, दरवाजे दरवाजे जाइए, ये यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, तमाशा देखने वाले भीड़ लगाते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। दरवाजे अपने मन मस्तिष्क का दरवाजा खोल दिया है, राहुल गांधी की जिस त्याग तपस्या सेवा भाव की प्रतिमूर्ति बन के देश में भ्रमण कर। अरे जिसके नेतृत्व में कांग्रेस चल रही, उसको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, जब इतनी क्षमता उनके अंदर थी तो जी। अरे आप तो क्षमता नहीं, आप इसीलिए घबराए, अरे बता दीजिए ना क्या दिक्कत है, जब उनके नेतृत्व में यात्रा निकल रही है, अध्यक्ष बना नहीं होते जी। क्या बात करते, देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस समय बैकफुट पे, हताश है, परेशान है। अच्छा, बैकफुट चली गई है। मैं बताता हूँ, हिमाचल में इन्होंने, आप जानते हैं गौरव जी, अभी तक से सर्वाधिक मेहनत करने का काम किया था। अभी उत्तर प्रदेश में भी आपका संगठन नहीं खड़ा हो पाया है, आप कहाँ 2024 गुजरात में, जो गुजरात में इतनी बड़ी जीत हासिल की है, 157 सीट, उस पर क्या कहेंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, गुजरात में ठीक है, कुछ गुजरात का सेंटीमेंट काम आया वहां से, क्योंकि 20 सीट से हिमाचल की बात जरूर करेंगे। कैसा सेंटीमेंट काम आया, सेंटीमेंट बता दीजिए, कौन सा सेंटीमेंट रहा? देखिए चुनाव में, वहां चुनाव में थोड़ा सा उन्होंने गुजराती भावनाओं को बुनाने का काम किया, वहां की जनता का जो निर्णय है वो तिरोधार है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने कहा 2024 में एक अलग प्रकार ठीक है, ठीक है, ठीक, और ये वैचारिक सैद्धांतिक लड़ाई होगी, ठीक है, बड़ी लड़ाई है, राजनीतिक की बात नहीं है, बड़ी लड़ाई। सबसे भाई तो बोल रहे हैं, कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए, कोई हैट्रिक बनाने जा रहे हैं यहाँ पर।
अरे देखिए मुंगेरी लाल के अंतिम सपने देखिए, सबको सपने देखने का हक है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी वाले इस डेवलप में रहे, हिमाचल सहित पूरा देश। तो बदलाव होने जा रहा है 24 में, 24 में बदलाव होने जा रहा है। 14 में भी हमने सपना देखा, 19 में भी सपना देखा, आप तो सपना भी नहीं देख पा रहे हैं जी। दो मुख्य बातें हैं जी, सरकार की जो नियत बदली है, हाँ। सरकार का जो डायलॉग बदला है, अच्छा। सरकार की जो जिम्मेदारी बदली है सरकार में आने के बाद, अच्छा। और देश की बदहाल जो व्यवस्था हुई है और जनता के बीच में जो नया होप, नई उम्मीद, नया सवेरा, अच्छा। नई आस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उन्होंने लोगों की बात की है, अच्छा। लोकतंत्र में लोकमत की, लोकतंत्र की स्वतंत्रता की क्या अभिव्यक्ति की आजादी है, और सरकार में आप किसी सत्ता में तो आप हर चीज को बुलडोज नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते जन अधिकारों, बिल्कुल उसको बताते हुए इन्होंने निकला है जी। तो इसलिए जनता ने, ये दो मुख्य कारण है मैं कह सकता हूँ, जिस प्रकार अपेक्षित अपेक्षा से ज्यादा जन समर्थन, जन विश्वास, जन आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, ये जनाधार, ये जनाधार वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा ये बताइए हमको। बिल्कुल हमें आशा है बिल्कुल होगा, सुनिश्चित होगा जी। जनता, अच्छा, बोर हो गई, चलो ठीक है, अब बोर हो तो भले ही डाले, चलो ठीक है। दयाराम भाई, ओम प्रकाश जी तो भाई बयान देते रहते, आज फिर बयान दे दिया उन्होंने कि भाई अब किसको विकल्प बना रहे, किसको नहीं विकल्प ना बनाए, और यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, निकाय चुनाव, और जानकारी ये भी मिल रही है कि उन्होंने विकल्प भी खुले रखे हैं, हो सकता है किसी के साथ फिर चले जाए अगर कोई पहल कर दे। तो स्पष्ट कर दिए भाई, पहल करेंगे या अकेले लड़ेंगे या फिर इस तरह बयानबाजी चलती रहेगी, थोड़ा आप भी बता दीजिए जी। देखिए गौरव, हर पार्टी का भारतीय संविधान में अधिकार है, पार्टियां हैं, चुनाव लड़े, अच्छा ठीक, अलग अकेले लड़ेंगी या गठबंधन में लड़ेंगी, ये उनका अपना विवेक है, समय पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पे उनका बैठ रहा है बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हाँ। आज उत्तर प्रदेश के अगर हम निकाय चुनाव की बात करें, हाँ। निकाय चुनाव में 2017 में भी हम चुनाव लड़े थे, उसमें हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे, नगर पालिका भी थे, सभासद थे, निगम, और इस बार स्वेंद्र भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ, यहाँ से हमारे काफी संभावित जो प्रत्याशी हैं, कई कई लोगों का उसमें निवेदन आया है रावली के साथ में, उसमें स्वेंद्र भारतीय समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है या वहाँ के प्रभारी है, अच्छा। कोऑर्डिनेटर है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन सा प्रत्याशी हमारा जिताऊ है, अच्छा उसी के आधार पर जो है कर रहे हैं जो है जी। और स्वेंद्र भारतीय समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा निगमों में, ज्यादा से ज्यादा चेयरमैनी में, और कितने जयराम भाई, दो सवाल मेरे रहेंगे, कितने जिलों में मेहनत चल रही है, दूसरा सवाल, अभी आपने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, कौन जिताऊ कैंडिडेट जी जी, तो स्पष्ट कर दीजिए अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ जाएंगे। नहीं नहीं, निकाय चुनाव हम अकेले दम पे हम लड़ रहे हैं, फिलहाल हम किसी के साथ नहीं जा, फिलहाल फिर फिलहाल शब्द लगा दिया मुझे, फिलहाल पे थोड़ा सा संशय होने लगा, कोई ऑफर नहीं दे रहा है, नहीं फिलहाल आप ये बताइए ना, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं गौरव भाई जी, जिसका गठबंधन ना हो, अच्छा आप गठबंधन तो है, तो आपका बार अलग हो जाता है ना, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है। नहीं नहीं सर, आप बताइए ना, जितने पैनलिस्ट में जितने भी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक का नाम बता दो जो गठबंधन से दूर, बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन है, बिल्कुल गठबंधन है जी, लेकिन स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी निकाय में अकेले दम पे जा रही है, चल ठीक है, मान लिया, चल ठीक है। पवन जी, आपसे बेहतर मूल्यांकन कौन करेगा भाई, यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सक्रिय बने, ममता बनर्जी से मुलाकात कही है, इसके अलावा आज केसीआर के जो उनका कार्यक्रम उद्घाटन हुआ वहाँ भी गए थे, इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह की रणनीति बन रही है विपक्ष की, लामबंदी की, सत्ता बढ़ाने की जी, ये लामबंदी ही कहेंगे, सत्ता, आपने बहुत सही कहा गौरव जी जी, ये 2024 का जो चुनाव होने वाला है जी, उसी के पहले की प्रक्रिया है जी, अगर अखिलेश जी जी वहाँ जाते हैं जी उस कार्यक्रम में जी, एक गाड़ी में साथ में बैठते हैं, एक गाड़ी में बैठना तो भाजपा वाले हैं, ट्वीट रिट्वीट करते रहते हैं, वो भी सपा के प्रवक्ता मुझे बिल्कुल सही कह रहे थे, तो दोनों जगह है, चाहे समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल हो, अच्छा। इतनी गंदगी भरी हुई है, अच्छा। ये सब खुद उनके पार्टी अध्यक्ष को देखना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, ये जो ये चाहते हैं कि हमारा आका खुश हो जाएगा, अच्छा। लेकिन बहुत गलत संदेश जा रहा है, अच्छा। बहुत गलत संदेश जा रहा है, इस पे रोक लगानी चाहिए। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, तो 2024 की तैयारियां चलनी है, और सबसे माइनस पॉइंट क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी जीतती आती है, अच्छा। जो जीत रही है, बराबर जीत रही है जी। अगर हम लोग 2024 का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो लगभग अब 400 तो केशव मौर्या कह रहे हैं, लेकिन 400 नहीं, लेकिन ये मान के चलिए
कि 350 पार करके अच्छा, सरकार बना रही है। ये सच्चाई है, सरकार बना रही है, कड़वी सच्चाई को समझेगा अच्छा, नहीं यहाँ ताली बजाने का आवश्यकता नहीं है, कड़वी सच्चाई है, समर्थन नहीं। सुनिए, ये सीखना होगा, ये समाजवादी पार्टी को भी सीखना होगा, धरातल पे सीखना होगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगना होगा, उनका मनोबल बढ़ाना होगा, उनके लिए काम करना होगा। अगर ये सब मिलकर के मोदी को हराना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एक पक्ष जो मोदी के साथ अपने आप आ जाते हैं अच्छा, कि भाई आप सब जी 10 लोग मिलकर के गौरव जी अगर आपके ऊपर विरोध करें तो जो बाकी लोग हैं हाँ, वो तो आपके साथ आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये वही हो रहा है जी, यहाँ पे कोई अपने पार्टी जीतने के लिए मेहनत नहीं कर रहा जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो जीतने के लिए नहीं मेहनत कर रहा, वो सब मिलकर के मोदी को हराना चाह रहे हैं जी। मोदी में ऐसे क्या कमी है जो उनको हराना चाह रहे हैं जी? आप उनकी जो महंगाई है हाँ, बेरोजगारी है, उसके ऊपर आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आपके मोदी गड़बड़ है, मोदी नहीं सही है जी। ठीक है, अगर संगठन की बात, संघर्ष कोई नहीं करना, तो संघर्ष करना चाहिए, जमीनी स्तर पे संघर्ष करना चाहिए, तभी कुछ होगा। लेकिन अभी फिलहाल 2024 का जो हम लोग का आकलन है वो बहुत अच्छा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए तो यहाँ भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, अगर कोई 5 सीट अगर कोई बाहर लेके चला जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात हो गई। पर यहाँ पर जो प्रवक्ता कांग्रेस बनर्ज भाई बोल रहा है कि नया सवेरा नया उजाला, कांग्रेस मेहनत कर रही है हाँ। लेकिन कांग्रेस को तोड़ने का खेल कौन कर रहा है अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा। भारतीय जनता पार्टी देखिए, आम आदमी पार्टी हो हाँ। या बहुत सारे पार्टी हैं, चाहे किसी की बात हम करेंगे, या तो प्रवक्ता मोदी बुरा मान जाएंगे, चाहे सुभाषपा हो, कोई भी पार्टी हो, ये सब कहीं ना कहीं से जो गुजरात में गए, गुजरात में कहीं ना कहीं कांग्रेस हम लोग के आकलन में 1 साल पूर्व, 1 वर्ष पूर्व हम लोगों को लग रहा था कांग्रेस बढ़िया फाइट करेगी जी, बढ़िया लड़ाई लड़ेगी जी। आम आदमी पार्टी पहुंच गई वहां पे, किसका नुकसान किया जी? आप वोट प्रतिशत की बात करिए तो कांग्रेस का नुकसान किया जी। ठीक है, तो वो हर चीज है, बीजेपी साम दाम दंड भेद और साथ में संगठन। आज जैसे भी अखिलेश यादव जी, हमने आपसे कहा था, अखिलेश यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी को कहा था कि आइए हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, ये अगर हम अखिलेश यादव जी के लिए शब्द इस्तेमाल करें तो उचित नहीं होगा, बहुत बड़े नेता है लेकिन बहुत छोटे नेता है मेरे नजरों में अच्छा। वो केशव प्रसाद मौर्य को जिसको कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का जो सबसे छोटा स्तर होता है वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, अगर भाजपा ने उनको बूथ अध्यक्ष बना दिया तो पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उनका संगठन मजबूत है अच्छा। वो संगठन के व्यक्ति हैं हाँ। ये अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में हाँ। ये अखिलेश यादव जी को भरने की आवश्यकता है और खुद अपने मन मस्तिष्क में इनको भरने की आवश्यकता है, अगर ये कल ले जाएं तो एक चमत्कार होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, विवेक भाई बोल रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने जा रहे हैं तो बाकी दलों को स्वागत करना चाहिए। ये तो अखिलेश यादव जी का बड़प्पन होगा, अगर शिवपाल जी को भी बागडोर यहाँ का दे दे हाँ। प्रदेश अध्यक्ष के लिए हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष बना दे हाँ। समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी अच्छा। लेकिन अखिलेश यादव जी हैं अच्छा, अभी ही आप समझिएगा, इससे ज्यादा हम बोलना उचित नहीं होगा, बड़े नेता हैं हाँ। बस अखिलेश यादव जी हैं, वो ना अपने आप को समझते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं को समझते हैं हाँ। बुरा मत मानिएगा प्रवक्ता महोदय, हम लोग देखे हैं, हम लोग 2022 का चुनाव देखे हैं अच्छा। समाजवादी पार्टी एकदम चढ़ रही थी अच्छा, एकदम चढ़ रही थी कि हाँ आप सीट निकल जाए, हम लोग के मन विश्वास हो गया था, लेकिन अपनों से मिलना बंद कर दिए और सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए, विधायक का सर्टिफिकेट है, टिकट नहीं बांट रहे थे हाँ। 2-3 चरण बाकी रह गया था, हम हाँ। लोग देखे जी, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जो सीट जो टिकट जीत रहे थे, जीते हुए प्रत्याशी थे, वो निर्दल कांग्रेस का टिकट ले लिया आखिरी में हाँ। और जाकर के सेकंड नंबर पे आ गए जी, और इनका प्रत्याशी कहां गायब हो गया कुछ पता नहीं है जी। तो ये सब सोचने की आवश्यकता है, अखिलेश यादव जी को मेहनत करना होगा, लेकिन भाजपा से सीखने की आवश्यकता भी समझिएगा, जो कांग्रेस अब कर रही है, राहुल गांधी की बात हम करें हाँ। वो जो मेहनत कर रहे हैं अच्छा। वो दिख रहा है अच्छा, ऐसा नहीं, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मेहनत कर रहे हैं, अब वो कब सफल हो अच्छा। 2024 में सफल हो हाँ। 2029 में सफल हो सफल या आगे होगा अच्छा। निश्चित है कांग्रेस को रोकने के लिए भाजपा के पास ये हथकंडे कहेंगे या छोटी पार्टियां कहेंगे जो भी है उनका इस्तेमाल है, लेकिन जिस दिन उस जाल बवाल से निकल के कांग्रेस अपने आप को दिखा ले गई तो फिर कांग्रेस आखिरी सवाल लगा, समझी भाई बोल रहे थे कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम जी हैट्रिक मान रहे हैं, सही बोला थे क्या? नहीं, देखिए प्रवक्ता महोदय हैं जी, ये कुछ भी कर सकते हैं अच्छा। अगर भाजपा की बात करें, मैनपुरी और खतौनी हाँ। 2 सीटें जब ये हाँ। भाजपा ने हारा हमारे पास 12:15-12:30 बजे मैसेज आया कि बीजेपी पे जी। बैठक शुरू हो गई है जी। वो बैठक रात में 9 बजे तक चली है जी। हार के चिंतन
हमारे जातियां जो निचले स्तर की जातियां थी अनुसूचित जातियों के वोट वो नहीं कन्वर्ट आया। अच्छा वो वोट कहाँ गया? अच्छा। अगर कोई हार के लिए चिंतन कर रहा है तो वो कैसे? वो मेहनती लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। यहाँ से लेके केंद्र तक बैठक हुई है और यहाँ एक सीट अगर आ गया जी, मैनपुरी कहीं दूसरे का नहीं था, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की धरोहर है। अच्छा। ये भी आप समझिएगा। अच्छा। वो चाहे शिवपाल जी को जसवंत नगर से सीट जिता दिया गया था, वो निर्दल खड़े हो जाएं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा। ग्राउंड इतनी मजबूत है। और एक तो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि वोट देने के लिए जबरदस्ती किया है समाजवादी पार्टी ने, गाड़ी में बैठाया था। एक वीडियो वायरल हुआ, देखा होगा आपने। तो ये सब भी जांच का विषय है कि हो सकता है भाई क्षेत्र भाई जनपद स्तर का मामला हो। धरोहर से जीत गया, जीत नहीं पाते। तो आप देखिए, मैं एक शब्द पे बिलीव करता हूँ, एक वाक्य पे बिलीव करता हूँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अच्छा। ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी है, मार्गदर्शक भी है। मैं आ जाऊँ अपनी बात पूरी करने, बोलिए। ये मार्गदर्शक भी है और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो इनके दिए सुझावों को अगर कहीं भी सुन रहा है, किसी भी रूप में सुन रहा है, प्रकार में सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई हमारे पार्टी के हित के लिए कोई सुझाव दे रहा है तो राष्ट्रीय नेतृत्व को उसका संज्ञान लेते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए बिल्कुल उन चीजों को आत्मसात करना चाहिए। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि मतलब आलोचना का व्यर्थ या उसमें कोई कटाक्ष करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हाँ, एक चीज पे मैं जरूर कहना चाहूंगा। जैसे एक वीडियो की बात आदरणीय पत्रकार महोदय ने हमारे कही है, उसी तरह एक वीडियो और आया था जिसमें फिर ईवीएम पकड़ी गई थी गाड़ियों में रात में, उसी तरह और एक वीडियो आया था जिसमें पुलिस वाले रोक रहे थे वोट देने से, पुलिस वाले धमकी दे रहे थे, घर के दरवाजे बंद कर दे रहे थे। तो वीडियो तो कई प्रकार की बिल्कुल, लेकिन पत्रकार महोदय की एक बात से मैं सहमत हूँ, ये जांच का विषय है, ये जांच बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा। चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की, अगर इस देश का लोकतंत्र सकारात्मक रूप से बचाने का कार्य इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी दायित्व भार है तो बिल्कुल इस बात की जांच होनी चाहिए, ताकि कल को कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की मनमानी ना कर सके। सुभाष भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोले जा रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तेरा भाई जी, बोलिए जी। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दल कर रहे हैं। चुनाव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने संगठन के दम पे। भाई बोला कितने जिलों में है जो है फीडबैक लेना शुरू। विवेक भाई बोला कितने जिलों में है आप? विवेक भाई पूछ रहे हैं सपा से, कितने जिलों में है आप? अब विवेक भाई से ये पूछ लीजिए कि पश्चिमांचल लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े। मैं तो ये पूछ रहा हूँ दयाराम जी, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं ये तो बता दीजिए। अरे उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं ये तो बता दीजिए। आपने 71 जिले कहे थे तो हम तो 71 से सोच के कंफ्यूज हो गए। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि किसी और राज्य की बात कर रहे हैं? ऐसा है, मैंने 75 बोला, हो सकता कान में आपके ठेठी लगा उसको। भाई यहाँ पे मेरे कान में ठेठी नहीं, सबके कानों में लगी है। अब आप उसको करेक्ट कर ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए यही विपक्ष होता है, जब आप हमारे साथ थे बिल्कुल सही हो गए थे, अब आप जैसे विपक्ष चले गए उसके बाद देखिए आप गलतियों में गलतियां कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आपको अभी भी आवश्यकता है, आपको समाजवादी संरक्षण की आवश्यकता है। दयाराम भाई मानिए मेरी बात, अब आप जो प्रत्याशी चुन रहे हैं, अगर आपको कोई 2 करोड़ 1.5 करोड़ देने वाला मिल जाए तो जरूर प्रत्याशी चुन लीजिएगा, लेकिन योग्य चुनिएगा। भाई आपके नेता जिस तरह बरबोलापन करते हैं, दयाराम भाई आपको थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। केवल बातों से भाई कम से कम राजनीतिक मर्यादा होती है, किसी भी तरीके के गठबंधन की भी एक मर्यादा होती है। हमारे और भाजपा के बीच में दूरी मतभेद बहुत है, लेकिन कम से कम हमने हमेशा गठबंधन का एक सम्मान किया, जिस तरह वो करते हैं उतना हम भी। लेकिन आपके नेता में थोड़ा समझ में नहीं आता, वो सुबह दाएं होते हैं रात में बाएं। अच्छा। अगर वो सुबह दक्षिण दिखाई देंगे तो शाम को पश्चिम दिखाई देंगे। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया कि वास्तव में आपकी पार्टी की नीतियां क्या है। अच्छा। हम तो कम से कम समाजवादी विचारधारा पे चलते हैं, विकास का काम करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से आपके एक पार्टी के बड़े युवराज दुबई जाकर के वीडियो लाइक कर रहे थे दुबई का। तो मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि मतलब आप लोग कितने आत्मबुद्धता से प्रेरित हैं। दयाराम भाई, इतनी आत्मबुद्धता अच्छी बात नहीं है। अगर जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, जमीन पे आकर के आपको मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। केवल कुतर्क करना, आलोचना करना, इसके अलावा तो मैंने देखा नहीं आपको आपके कुछ समाजवादियों को क्या आता है? अच्छा, समाजवादियों को वो आता है जो आपको नहीं आता था, तभी आप दोनों हाथ खड़ा करके हमारे पास आए थे। और उसके बाद विधवा प्रहलाद जवाब ने किया तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा तो हमने आपको इतनी राजनीति भी दे दी। भाई हमने तो आपको त्याग कर दिया आपका। भाई किस तरह छाती पीट पीट करके आप हमसे तलाक मांग रहे थे, हमने तो खुलेआम आपको कहा ठीक है भाई मर्यादित कर देते हैं इसको। लेकिन आपके शब्द, आपके आचरण, आपके भाव, आपके नेता की बातें, आपकी नेता की सोच, आपकी पार्टी की मानसिकता, ये समझ में ना आई। आप ही के पार्टी के बड़े पदाधिकारी आप पे आरोप लगा के छोड़ गए। बताइए
मतलब थोड़ी सी भाई, और मजा था बड़ा भी क्यों कह रहा है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़, ये समझ नहीं आया भाई। देखिए इनकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने आरोप लगाया था कि किस तरीके से टिकट बांटे गए, और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम समाजवादी पार्टी से अपराधीकरण को उन्होंने दूर करने का काम किया, जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ झेला। लेकिन भाई किस तरीके से टिकट देके संरक्षित करके भाई मिल गए क्या भाई, मिल गया कि नहीं, मतलब सरेंडर हुआ है शायद, मैं सुना था, मतलब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली exactly, लेकिन पार्टी में तो आप ही के थे, लड़ाया आप ही ने, फिर आप कहेंगे कि भाई हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, भाई हमने जिस चीज का त्याग किया पैसे लेने का आरोप क्यों लगा, स्वीकार कर लिया, पैसे लेने का आरोप क्यों लगा रहा है, 1 करोड़ 1.5 करोड़, ये कौन सी भाई, ये तो इनसे पूछिए, इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी थे, काफी उच्च पदाधिकारी थे जो की पार्टी के स्थायी वो भी थे भाई, उन्होंने जब छोड़ा पार्टी को तो क्यों छोड़ा वो तो ये बताएंगे, टेबल के अंदर क्या हुआ, उस कमरे के अंदर क्या ऐसी बात हुई कि पार्टी का एक जमीनी कार्यकर्ता छोड़ गया, बता दीजिए बता दीजिए जी, इनको ये पूछिए रसड़ा का चुनाव इन्होंने लड़ाया, हमारे संगठन के लोग लड़ रहे थे रसड़ा चुनाव में, इन्होंने महिंदर चौहान को टिकट दिया जो है रह गया 4 दिन, 4 दिन जब रह गया नामांकन का इन्होंने चुनाव दिया, उसके पास जो उसके पिताजी जो साइकिल के पंचर बनाते हैं, धन्य हो ओम प्रकाश राजभर जो अपना पैसा संगठन का पैसा लगा के उसको चुनाव लड़ाए, बताओ कितना इन्होंने पैसा दिया बता दीजिए हमें, ले लीजिए, अब आप बोल रहे एक तरफ आप कहते हैं हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन पे काम करते हैं, दूसरी तरफ आप पैसा, बात आ गई ना सामने गौरव भाई, यही तो मैं लाना चाह रहा था, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिला इसलिए इन्होंने संगठन तोड़ दिया, आज भाजपा पैसा दे दे, कांग्रेस पैसा दे दे, दूसरे दल पैसा दे दे, अरे मैं कह रहा हूँ पीठ भी पैसा दे दे, राज्यपाल जी आपको कश्मीर में सबसे ऊपर पकड़ के झंडा दिखाई देंगे, मैं तो कह रहा हूँ पैसे पे बात आ गई, देखिए यही मैं लाना भी चाह रहा था, इनके पदाधिकारी के आरोप गलत नहीं थे, ओम प्रकाश राजभर जी केवल पैसे के आधार पे गठबंधन करते ये इन्होंने स्वीकार कर लिया, भाई इन्हीं के शब्द है कि भाई पैसा पैसा लगा करके, भाई ये बताइए कार्यकर्ता जब अपना नेता चुनता है तो उसके अनुभव के आधार पर चुनता है, उसके शिष्टाचार के आधार पे, उसके मर्यादा के अनुसार, उसकी सामाजिक समरसता के अनुसार, बताइए पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा भाई आपका कैंडिडेट लड़ रहा है समाजवादी पार्टी ने पैसा नहीं दिया, गठबंधन तोड़ दिया, बताइए इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया, इससे ज्यादा स्वीकार करने साबित करने जैसा क्या हो सकता है, इनकी पार्टी की सोच सिद्धांत मानसिकता पैसे पे टिकी हुई है, जो पैसा देगा गठबंधन कर लेंगे, एक और सी बात हुई भाई, इन्होंने स्वीकार किया, आरोप इन्होंने लगाया इनको पैसा नहीं मिला, आपने कितना पैसा दिया भाई, हम क्यों पैसा देंगे ये बताइए, आपका राजनीतिक दल है, एक तरफ आप कहते हैं हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, हम जमीन पे बहुत मजबूत है, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने पैसा नहीं दिया, इन्होंने कहा ना इनके शब्द थे, मैंने अपने शब्द के मुंह में नहीं डाले, और गौरव भाई आप रिप्ले कर लीजिए, इन्होंने क्या कहा था, समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या करें, अच्छा समाजवादियों की स्थिति है आज संगठन, बिल्कुल सही बात, स्थिति तो दिखाई दे रही है, जितनी फजीहत आपके राजनीतिक दल की हुई है केवल और केवल थाली के बैगन की तरीके से भाई, जिस तरीके से गठबंधन कभी यहाँ कभी वहाँ, भाई क्यों हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के हर नेता के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए, लेकिन आज बात पैसा, अरे, अरे, अरे ये तो आज इन्होंने स्वीकार कर लिया कि सारा मुद्दा पैसा था, विवेक भाई ये तो कहते रहे बाहर निकल के आई है समाजवादी, गौरव भाई समाजवादी पार्टी को जब कुछ नहीं समझ में आया, मैंने बताया रसड़ा का चुनाव महिंदर चौहान इनका, अब लीजिए आपने उदाहरण दिया, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया इसीलिए, और सबसे बड़ी बात अगर समाजवादी पार्टी में इतनी कमी थी तो आप क्यों आए थे रेड कार्पेट पे चल के हमारे पास, आप क्यों रेड कार्पेट बिछा करके आए थे हमारे पास, आप बताइए ना, अरे ये बताइए अगला गठबंधन किससे कर रहा है गौरव भाई, ये पूछिए अगला गठबंधन किससे हो रहा है, ये पूछिए पहले तो इसका जवाब दे दीजिए भाई, अभी इन्होंने कहा कि स्पष्ट नहीं अरे है, क्या तो दिया है? लड़ेंगे अकेले, अरे तो है, अकेले चुनाव लड़ेंगे भाई, भाई अगला गठबंधन पूछिए किससे कर रहे हैं, वही बता दीजिए भाई, बता नहीं आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए अगला 2024 में किससे गठबंधन करेंगे आप, भाई हम तो आपको फिर कह रहे हैं आपको अभी भी संरक्षण की आवश्यकता है, आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, हम तो आपको न्योता दे रहे हैं विलय कर लीजिए, आप किसी के साथ विलय करके किसी एक राजनीतिक दल की मानसिकता में समाहित हो जाइए, आप कहिए तो मैं बात कर लूं किसी से, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है ठीक है, अरे भाई मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए सारी लड़ाई आपके मेरे बीच होंगी, भाजपा फिर आरोप लगाएगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, कांग्रेस के भाई बैठे हैं, बताइए
बैठ करके केवल उत्तर प्रदेश में राजनीति गलियारे में केवल आलोचना और कटाक्ष और तर्क कुतर्क करने के अलावा कुछ करते नहीं है। हाँ। भाई जमीन पे काम कीजिए, क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए। अरे सावधान यात्रा निकाली थी उन्होंने, सावधान यात्रा निकाली तो सावधान यात्रा उन्होंने अपनी पार्टी के लिए निकाली थी, यही तो समझा रहा हूँ। अच्छा। पार्टी के लिए निकाली थी कि सावधान हो जाओ, जो पैसा देगा उसी को टिकट मिलेगा। इन्होंने स्वीकार किया गौरव भाई, पैसे की बात इन्होंने उठाई, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने तर्क रखा, वो तर्क पैसे पे आधारित था। बताइए राजनीतिक दलों की यही स्थिति हो गई है, जमीन पे अस्तित्व बचाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है क्या? अपनी आवाज को कर बुलंदता के मुद्दों पे लोग तुझे ढूंढने की भाई मेरा नेता कहाँ है? बताइए कहाँ चले जा रहे हैं पार्टी में? बताइए पैसे की बात मंच पे बैठ करके बता रहे हैं क्या? पैसा नहीं मिला समाजवादी पार्टी से? भाई समाजवादी पार्टी ने सबको पैसा दे दे करके बुलाया था क्या? और किसी राजनीतिक दल ने कोई आरोप नहीं लगाया, इनके मुंह से पैसा निकलता है भाई, यही हालत, इसी वजह से बस यही हालत है। आप स्थापित नहीं हो पा रहे, आपको जो चाहे वो अपने तरीके से मोड़ लेते हैं भाई। बहुत ठीक है, आपको चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, नहीं जयराम भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, आपकी गलती नहीं है समझी भाई, भाई छोटा दल है कोई बात नहीं। समझी भाई, यहाँ पर जिस तरह कांग्रेस बता रही है कि हम अकेले चल रहे हैं और साथ में लेकर चलेंगे, नेतृत्व करेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बेहतर बदलाव करने हम जा रहे हैं, विवेक भाई भी कह रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ बदलाव होगा और मेहनत हो रही है, और बीजेपी केवल मोगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी दूसरों की पार्टी के क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करती। आपने अभी 2022 के जो गठबंधन दल के नेता थे, जो गठबंधन गौरव भाई चाचा को लेकर सबसे ज्यादा देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष और आलोचना। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि दूसरों के दलों में, विवेक भाई आप 2022 से बोलते चले आ रहे विपक्षी भूमिका में, थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए। आपको मैं सुन रहा नहीं, जगाते जगाते आप खुद सोते चले जा रहे हैं, आप खुद किस तरीके से लड़ रहे हैं अपना देख लीजिए, आप ही ने चाचा को क्या क्या कहा था, आपने ही चाचा को विधान नहीं आप, अरे तो यहाँ पर सुनेंगे, यहाँ पर किस लिए बुलाया गया, यहाँ पर भी सुनेंगे कि नहीं? पत्रकार महोदय ने तो हमको 2024 में जीत दिखाई दी है, ये भी कह रहे कि सुनने का दायित्व पक्ष का होता है, ये तो बात यहाँ पर तो सुनेंगे, यहाँ पर तो सुनेंगे, यहाँ पर तो भाई जयराम भाई को आपने सुना दिया, अभी आपने विधानसभा में देखा था कि किस तरीके से चाचा भतीजे की बात, हमको कुछ नहीं हमको कुछ नहीं हुआ, हम वही कहना चाह रहे हैं कि हमको हमको जो है विपक्ष जो है खुद ताकत देता है, जब ये छोटे छोटे दल अपना वजूद बचाने के चक्कर में। अच्छा चाचा की सिक्योरिटी आपने कम कर दी, समझ में नहीं आया ये, अरे जरूरत नहीं ना उनको सिक्योरिटी की, समझ में नहीं आया, पहले आपने खुद ही बिना मांगे दे दी, अरे भाई उनको तो आपने ले ली, उनको सबसे पहले डर था समाजवादियों से, समाजवादी पार्टी के गुंडे से डर था, अब वो समाजवादी पार्टी में जब उनका विलय हो गया है, अब समाजवादी पार्टी में जब उनका विलय हो गया है, नहीं आप आपत्ति क्यों करेंगे? अपराधी गुंडा बदमाश अपराधी हमेशा कहा गया, खुद के केस हमेशा कहा गया, हमेशा कहा गया थानों ने किस तरीके से अपराधियों को, किस तरीके से थानों से अपराधियों को छुड़ाया जाता था, गठबंधन को रोकने की,
आज मैं तो चाहूंगा कि पत्रकार महोदय को दीजिए मौका, बताइए कुछ बताएं कम से कम किसका कितना गठबंधन था। हम तो क्षेत्रीय दल थे, आप तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दल है, उसके बाद 48-47 दलों से गठबंधन, क्या बात कर रहे हैं सब्जी भाई। परजीवी नहीं है हम, हमेशा जनता के बीच। भारतीय जनता पार्टी का नया नामकरण पता है आपको? नहीं, अखिलेशवादी पार्टी का हो गया, समाजवादी पार्टी का नाम अखिलेशवादी हो गया, इसका तो जनता को पता चल गया। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नामकरण अभी तक नहीं किया, ना कोई कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2024 आप देखेंगे प्रवक्ता, बस इतना बता दे तेल क्या 30-35 रुपए लीटर बिक रहा है, क्यों नहीं करते बताइए, काला धन किधर है? आपने सदन में क्यों कहा कि काले धन का हमें हिसाब नहीं पता? अच्छा। आपने कहा था कि पहले आपने लिस्ट जारी की, अरे मैनपुरी पे आ गए भाई, कमल खिलाने गए थे, कमल खिलाने गए थे, कीचड़ तक नहीं मिला, कमल खिलाने गए थे, कीचड़ तक नहीं मिला, करो भाई कमल खिलाने गए थे, कीचड़ तक नहीं मिला। और बताइए धरती ही खत्म है इनकी, आजमगढ़ तो खत्म कर दिया, आजमगढ़ विधायकों में 10 सीटों में एक न निकाल सके, 10 सीटों में एक न निकाल सके, बताएंगे बताइए। ठीक है ठीक है, सरकार बनी ठीक है, आपने क्या कर लिया? वोट प्रतिशत किसका गिरा और किसका बढ़ा, गौरव भाई बता दीजिए, वोट प्रतिशत किसका गिरा किसका बढ़ा? 15 साल तक कौन सत्ता से बाहर रहा? 15 साल तक सत्ता से बाहर रहने वाले केवल चुनाव जीती, आप बताएंगे कि हमें चुनाव लड़ना है? ये तो सत्य, आप चुनाव लड़ते हैं, संस्थाओं का सहयोग करके दुरुपयोग करके आप चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जो 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास बची हुई है, 2024 में ठीक है, अंगूर न मिले तो खड़े हैं। मनोज भाई, मनोज भाई, यहाँ पर जिससे पवन भैया ने मूल्यांकन किया कि यहाँ पर भाजपा मेहनत करके फिर आने वाली है, वो आपका जनाधार है, वो जनाधार मेहनत तो कर रहे हैं, अब उसका रिजल्ट 24 में मिलता है कि नहीं मिलता, ये अभी भी उनको संशय है, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बात पर विश्वास करती है, हमारे नेतृत्व राहुल जी मानते हुए चलते हैं जी, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अच्छा, झूठ जुमले साधन संसाधनों का दुरुपयोग, मिथ्या प्रचार, सब एक तरफ, शोर शराबा, रस्साकसी, व्यक्तिगत टिप्पणी, संस्थाओं का हाईटेक, मीडिया का दुरुपयोग, मैनिपुलेशन, फैब्रिकेशन, ऑल टाइप। अरे मीडिया सहयोग समझ में नहीं आया हमको, मीडिया सहयोग समझ में नहीं आया हमको, ये मीडिया पे क्यों बना रहे थे भाई आप लोग बात? आप समझदार है, आप जैसे कुछ जिम्मेदार लोगों को छोड़ के मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, इसकी महत्ता है, जीवित किए हुए हैं जी, मैं प्रभु से कामना करता हूँ। उसका भी नाम ले लीजिए जो जीवित नहीं करे, पत्रकार का नाम बता दीजिए, चैनल का नाम बता दीजिए। इन विपरीत परिस्थितियों में आपको बल मिले और आप भारतीय जनता पार्टी के भय से भयमुक्त होके जनता की आवाज बने और बिना लाल लपेट के स्वतंत्रता से अपनी स्वच्छता से बात करें। जी, जी। तो देखिए, ये सारे शोर शराबे के बाद, मिथ्या प्रचार के बाद, मैनिपुलेशन कैलकुलेशन के बाद, आखिर श्रम का, सच्चाई का, सेवा भाव के वो सब प्रूफ जो हमारे राहुल जी का निश्चल मन है, जो उन्होंने ठान लिया है कि कुछ भी हो, कितनी भी टिप्पणियां हो, कितनी भी व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाए, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन जनता लोकतंत्र में लोकस्वर बनने का काम करेंगे। तो ये जो बीरा राहुल और सारे नेता, मैं किसी नेता किसी पार्टी के ऊपर देखिए राजनीति नहीं करूंगा, आप सब एक पार्टी पर्सन के पहले एक फैमिली मैन है, विचारक है, समझदार लोग है, तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि इस समय भारत को बचाने की संवैधानिक भारतीय जनता पार्टी से आंख में आंख डाल के लड़ाई लड़ने का, आर पार लड़ाई लड़ने का काम जी जान से कौन कर रहा है जी। ठीक, तो ईश्वर उनको ऊर्जा दे, शक्ति दे जी, भारत के भविष्य के लिए। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा बेनर भाई, आप लोग ये क्यों बोलते हैं कि वो यात्रा कर रहे हैं 30 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहे हैं, भाजपा का कोई नेता 1000 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर पाया ट्रेन से, ये समझ में नहीं आता है? मैंने कहा देखिए जी, कई प्रवक्ता आप कई बार ये बार बोले हैं जी, जी मैं बोला हूँ जी। अच्छा देखिए जी, भारत जोड़ो की स्पीड के साथ, मैंने कहा ना कम, सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता पाने के बाद भी, अरे विनोद सिंह आप जी, आप चले कि नहीं कुछ दूर? आज तक मैं कह रहा हूँ आप गए उनके साथ, राहुल गांधी के साथ आपने कई किलोमीटर चल के यात्रा पूरी की है जी। नहीं, आप बताइए ना पहले, आप गए? आप जैसे कहीं आपका फोटो तो नहीं दिखाई दिया? दो चार आप पवन जी जैसे 2-4 से 10 निष्पक्ष पत्रकारों के सवालों का जवाब देने का साहस
जी आज तक प्रधानमंत्री जी इतने वर्षों से लगातार सत्ता की है उनके अंदर ऐसा नैतिक बल राजनीतिक बल क्यों नहीं है? चरित्रकारिता छोड़िए, राजनीति करिए, रोड पर उतरिए। जी कार्यक्रम क्यों करते हैं जी? ठीक है, अपने मन की बात सोचते क्यों है? अच्छा, बात लोगों के हृदय की बात कब सुने जी? ठीक है, अरे आपके मन की बात मैं सुन रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया विभय भाई, हो गया। पवन जी आखिरी कमेंट करिए। मेरा अभिप्राय ये था जी, लोकतंत्र में लोगों की बात, उनकी भावना, उनकी आवश्यकताओं को आवाज देने का काम, पद देने का काम, हवा देने का काम, कोशिश करने का काम अगर राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी छटपटाई क्यों है? अच्छा, सारे राजनीतिक दलों को अपने कम्फर्ट जोन से निकल के जनता के बीच जाना चाहिए जी। ठीक है, कोई दूरी, कोई प्रोटोकॉल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पवन जी अपने फाइनल कमेंट दीजिए, फिर चर्चा खत्म करते जी। जी जी विनोद जी, विनोद जी, जी विनोद जी, विनोद जी, जी जी विनोद जी, पवन जी कुछ बोलना चाह रहे आपकी बात पर जी बोलिए। विनोद जी जी बहुत बहुत बधाई है आपको जी, आपके राहुल गांधी जी बागपत पहुंच चुके हैं जी, ये इस समय की बड़ी खबर है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए है जी। बागपत उनकी एंट्री हो चुकी है जी, पैदल यात्रा जी। अब अभी इसके पहले जो है हमारे बीच दो प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जी, बहुत जो है अच्छे ध्वनि में जी योद्धा बने हुए थे जी, जिसे वाक युद्ध कहते हैं जी, और तमाम प्रकार की बातें होती थी। ऐसे ही वाक युद्ध जो है हमने जी दयाराम चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के बीच में पहले भी देखते थे और दोनों का प्रेम भी देखे हैं जी, और 2024 को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश भी छोड़ सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अखिलेश यादव को ये सौंप सकती है उत्तर प्रदेश, अच्छा इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगर भारत सरकार इनकी नहीं बन रही है, सरकार बनने में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उत्तर प्रदेश भी छोड़ देंगे, जैसे दिल्ली छोड़ दिया है, पंजाब छोड़ दिया है, सरकार बनाएंगे। यस सर, लोकसभा से मतलब है प्रधानमंत्री जी को, वो लेके ठीक है। तो आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी 24 चुनाव को लेकर, यहाँ पर विपक्ष की लामबंदी की, विपक्ष किस तरह से यहाँ मजबूत होने का प्रयास कर रहा है, नेतृत्व कौन करेगा, कौन आगे बढ़कर इस विपक्ष को लामबंद करेगा और कैसे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए प्रयास करेगा, वो तो फिलहाल यक्ष प्रश्न है और भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है कि 24 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और आखिर में जाते जाते केवल एक ही बात कहूंगा, नया उजाला भी होगा, नया सवेरा भी होगा, जो करेगा मेहनत धरातल पर ये जहां उसी का होगा। धरातल पर संघर्ष करिए, केवल बयानबाजी से सत्ता नहीं मिलती। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस